जेल से पैरोल पर आकर फिर से अपराध की दुनिया में शामिल होने वाले और पुलिस पर हमला कर दो पुलिसकर्मी घायल करने वाले मुख्य आरोपी बदमाश मुश्ताक की सूचना देने पर मेवात पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। मुश्ताक की जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। यह जानकारी बुधवार को मेवात पुलिस कप्तान नाजनीन भसीन ने प्रेस वार्ता कर दी। एसपी ने बताया कि पुराना खंड के गांव बादली में मंगलवार को बदमाश मुश्ताक उसके 5 भाइयों सहित एक दर्जन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव कर 2 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था, जिनका इलाज गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। मुश्ताक ने 2008 में सिपाही उमर मोहम्मद की हत्या की थी, जो हत्या के जुर्म में वह पिछले 10 साल से उम्र कैद की सजा काट रहा था। वह फिलहाल पैरोल पर आया हुआ था, जो पैरोल से फरार चल रहा है। आरोपी मुश्ताक को ही पकड़ने के लिए पुनाना थाना और CIA की पुलिस गई थी। मुश्ताक पर करीब 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं उसके 5 भाई भी अपराध की दुनिया में उसका साथ देते हैं, जिन पर भी काफ़ी मामले दर्ज हैं। वहीं SP ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बादली में जो इनकाउंटर हुआ, जिसमें हालांकि हमने 2 वांटेड क्रिमिनल्स को मौके से उठाया है और उन जिसने हमारे साथी पर फायरिंग की है उसको हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन हमारे लेकिन जो फैक्ट ये है और जिसको हमने बहुत गंभीरता से लिया है कि हमारे 2 साथी बहुत ही उनको बहुत ही सीरियसली जख्मी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और ये बात हमारे टॉलरेंस के बिल्कुल बाहर है। तो पुलिस ने और यहाँ पे ज़िला पुलिस चीफ होने के नाते मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि जिन्होंने हमारे साथियों को इस तरह घायल किया, हम उनकी तलाश में हैं और हमने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। जो भी इस आदमी पर इंफॉर्मेशन हमें दे, वो डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकता है, हमारे टीम मेंबर से संपर्क कर सकता है, हमारी CIA से संपर्क कर सकता है। उसके ऊपर मैं अपने सभी अफसरों को, सभी अधिकारियों को मीटिंग लेके बड़ी क्लियरली ये संदेशा मैंने बिल्कुल क्लियर किया है कि क्रिमिनल्स पे हमारी पैनी नज़र है और जो क्रिमिनल्स आदि हैं पुलिस पे फायरिंग करने के, उनको हम टॉप प्रायोरिटी पे लेके एक एक को उनके घरों से उठाएंगे और यदि किसी को इस बात का ज़रा भी शक हो तो वो आजमा लें हमको, और जो बड़े सरगना हैं या क्राइम की दुनिया के बड़े दलाल हैं उनके पीछे हम खुद आएंगे। और मैं सिर्फ आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जब मैं आऊँगी उनको उठाने तो उनकी आत्मा काम हमारी सूची के अनुसार 10 या 15 टॉप के अपराधी हैं जो काफ़ी टाइम से हमारी लिस्ट पे हैं और जैसा मैंने आपसे कहा टॉप प्रायोरिटी इस वक्त हमारी उस अपराधी पे है जिन्होंने हमारे साथियों को घायल किया। उसके अलावा कोई भी आदतन अपराधी हो जिसपे 3 या 3 से अधिक मुकदमे दर्ज हों, जो भी पब्लिक में इंफॉर्मेशन हमें देगा, जिस इंफॉर्मेशन पे हम उस अपराधी को पकड़ पाए उस पर 1 लाख का इनाम उसी वक्त हम उसको देंगे। कितना सुधार है? वो अभी फिलहाल वो क्रिटिकल हैं और अभी इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। अगले तीन चार दिनों में पिक्चर क्लियर होगी। SPF की टीमें भी लगातार कल से ही रिसेंटली पालन साहब खुद यहाँ पहुँचे थे, कितनी टीमें आपकी और SPF की इस मामले में लगी? हमारी तो 3 टीमें ऑलरेडी लगी हुई हैं इस मामले पर, बाकी जैसा मैंने आपसे कहा ये हमारी प्रायोरिटी पे है, तो जो भी हमें इस पर इंफॉर्मेशन देगा उसको हम भारी इनाम देंगे। देश विदेश की राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।